करोड़ों साल पहले जब हम इंसानों का अस्तित्व नहीं था, तब डायनासोर जैसे विशालकाय जीव इस पृथ्वी पर राज किया करते थे। लेकिन उस समय डायनासोर के अलावा भी पृथ्वी पर कई ऐसे जीव मौजूद थे जो डायनासोर को भी मार दे सकते थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ 3 जीवों के बारे में बताऊँगा। जैकेलोप्टेरेस शिकारी यूरिपिटरिड का एक जीन्स है जो विलुप्त जलीय ऑर्थोपोडस का एक समूह है। अलग अलग जीवाश्म अवशेषों के आधार पर इसका आकार लगभग 7.58 माना गया है। इसे लोग आज जायंट सी स्कॉर्पियन भी कहते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि स्कॉर्पियन बहुत खतरनाक होता है, जिसमें जहर होता है, और अगर ऐसा कोई जीव पानी के नीचे हो तो इससे कोई मिलना नहीं चाहेगा। और अगर ये जीव आज भी जीवित होता तो शायद इंसान आज इस पृथ्वी पर नहीं होते। ये ताज़े पानी में रहते हैं और अपने बड़े साइज की वजह से दूसरे ऑर्थोपोड जानवरों का शिकार करते हैं। डंकलियोस्टेट ऑर्थरडायर प्लाकोडर मछली का एक विलुप्त जीन्स है जो लगभग 382 मिलियन ईयर पूर्व लेट डेवोनियन काल के दौरान मौजूद था। इसका आकार 28.8 फीट तक हुआ करता था। पानी में रहने वाली ये मछली बिल्कुल भी प्यारी नहीं दिखती है। ये मछली लगभग 33 फीट लंबी हुआ करती थी, मतलब किसी जिराफ से दुगनी लंबी। और सिर्फ इसकी लंबाई ही नहीं, इसके दांत भी काफ़ी खतरनाक हुआ करते थे। ये अपने दांतों को आपस में घिस कर उसे नुकीला किया करती थी, जिसके इस्तेमाल से ये शिकार किया करती थी, जो कि किसी भी बड़े जानवर को चंद सेकेंडों में मार डालती थी। लियोप्लायूडोरोन, ये एक ग्रीक नाम है जिसका मतलब नुकीले दांत वाला जानवर होता है। इसके अवशेषों से ये पता चलता है कि ये जीव बहुत ही अच्छे तैराक थे, जो बड़ी ही तेजी से तैरते हुए किसी भी जानवर को शिकार बना सकते। ये मांसाहारी समुद्री सरीसृप का जीन्स है जो प्लियोसोरेडिया से संबंध रखता है, जो छोटी गर्दन वाले प्लेसियोसार का एक समूह है। अब तक पाए गए अवशेषों में इसकी लंबाई 21 फीट तक दर्ज की गई है। ऐसा माना जाता है कि ये जीव स्पीड लॉन्ग हुआ करते थे, जिनके दांत 2.5 इंच लंबे थे, जो शिकार करने की काबिलियत रखते थे। इन्हें देखने से ये लगता है इनके शरीर का बनावट थोड़ा मगरमच्छ और थोड़ा कछुआ का मिला हुआ रूप है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे जीव काल्पनिक नहीं, बल्कि कुछ वर्षों पहले इनके जीवाश्म की खोज की गई थी और वैज्ञानिकों ने इनके अस्तित्व को भी स्वीकारा है। सालों पहले जो महाप्रलय आया था, उसमें ये सभी जीव और इनके जैसे कई जीव विलुप्त हो गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।